तो पिछले वीडियो में देखा आपने, हम तनोट माता मंदिर के लिए निकल चुके थे कैंप से चेकआउट करके। कैंप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था हमारा। तो हमने कैंप से निकल के कनोई से तनोट माता मंदिर हम गए। तो रास्ता जो था वो बहुत खूबसूरत था। ये भी लेफ्ट साइड पे आप देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे हम लद्दाख में हैं, और राइट साइड में ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में। तो टेरेन का इतना डिफरेंस था लेफ्ट राइट में ही। तो एक्चुअली बहुत सही, मतलब मक्खन तो नहीं कह सकते, बट रास्ता सुंदर था। हाँ, कहीं कहीं जैसे हल्की फुल्की रोड टूटी हुई है, लेकिन हाँ, बहुत कम कम। हाँ, रास्ते में हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा, हमने उस तरफ को ले ली गाड़ी। ये मंदिर नहीं है तनोट माता मंदिर। यहाँ इतनी हवा चल रही थी ना इस टाइम पे, बहुत हवा। तो वहाँ मैंने कुछ फोटोज खींची और फिर हम आगे निकल पड़े। एकदम पथरीला रास्ता था। ये एक एडवाइस है हमारी तरफ से कि अगर आप राजस्थान प्लान कर रहे हो तो अगर अच्छी गाड़ी भी आपके पास तो बाय रोड ही प्लान करना, उसका मजा ही अलग है। बिल्कुल। तो काफी लोग जैसलमेर वापस जाके फिर तनोट माता मंदिर जाते हैं। तो हमने सम से वापस आते हुए कनोई से ये रास्ता लिया था। तो इस रास्ते से मोस्टली कोई नहीं जाता है। तो हमने ले लिया ये रास्ता। लकीली ये रास्ता बहुत खूबसूरत निकला। तो जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते गए, टेरेन भी चेंज होते गए, जमीन का कलर भी देखो चेंज हो रहा है। बड़ी हॉट रोड्स हैं यहाँ के सच में। और धीरे धीरे रास्ता सफेद हो रहा था, मतलब सड़क तो काली थी, आसपास का जो मिट्टी है वो सफेद होने लगी थी। जैसे ये देखिए, आसपास बिल्कुल सफेद मिट्टी है। तो जैसे ऐसा लगता है कि वाइट मार्बल यहीं से निकलता होगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते पेड़ भी बहुत कम हो रहे हैं। तो रास्ते फिर वैसे ही अप्स एंड डाउन्स और कर्व्स। बहुत मजा आता था गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, कभी कभी ऐसी फील होती है ना जैसे लेह लद्दाख जा रहे हैं, ऐसी फील भी आती है बीच में। आती है। बाइकर्स को बहुत मजा आता होगा। बट ये मौसम बाइकर्स के लिए सही नहीं है, बहुत ज्यादा हवा चलती है, विंडी बहुत ठंड थी। ठंड के से ज्यादा जो ठंडी हवा चलती है वो बहुत चुभती है तरह से। तो एक जगह हमने देखा कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा एक जगह थी, मतलब व्यू बहुत अच्छा था। ड्यून्स भी थे, पर ड्यून्स में कहीं कहीं वो भी थे, झाड़ियाँ भी थी। ओवरऑल व्यू बहुत अच्छा था। हमने गाड़ी रोक के वहाँ पे कुछ शॉट्स लिए। ये जो हिंदी मूवीज की शूटिंग राजस्थान वाली यही होती होंगी कहीं, हो सकता है ना। वो जो गाना मोरनी बागाना बोले वो यही कहीं होती होंगी। देखो ये देखो रास्ता और साथ में ड्यून्स देखो। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारी साइड पे एक बहुत बड़े बड़े ड्यून्स थे, लोग वहाँ रुक के फोटोज खिंचवा रहे थे। गाइस, तनोट माता मंदिर जा रहे थे हम, रास्ते में बड़े बड़े ड्यून्स हैं, देखो रेत के पहाड़। यहाँ का वीडियो तो बनता है। सामने गांव है छोटा सा, उसका भी क्या व्यू। यार आगे ना हाइट नहीं मिलेगी। तो बस यहाँ पे हमने कुछ शॉट्स लिए। हालांकि लोग बहुत कम थे और ड्यून्स काफ़ी बचे हुए थे, मतलब एकदम प्लेन और साफ सुथरे ड्यून थे। ये जो पैटर्न होता है ना ड्यून्स पे, बहुत ब्यूटीफुल होता है, कोई जैसे साफ रेंग के गया अभी है। हवा देखो कैसे कैसे पैटर्न बनाती है। ये मैडम खड़ी हुई दूर।
मेरे शूज ऐसे थे उसमें रेत चली जा रही थी तो मैं गई नहीं आऊं ऊपर। कुदरत देखो रेगिस्तान में भी अपनी जगह ढूंढ लेती है। बिल्कुल वैसे ही इंडिया की एक स्पेशलिटी है, एक तरफ आपको राजस्थान जैसे जहाँ पे रेत और सैंड ड्यून्स मिलेंगे, फिर आपको हिमाचल और उत्तरांचल जहाँ पे बर्फ रेन फॉरेस्ट भी है जहाँ पे बारिश होती है। ये हम एक ये कह लो कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। फिर केरला की तरफ चले जाओ तो और भी ब्यूटी है, बीचेस हैं, गॉड्स ओन कंट्री, बिल्कुल स्टेट केरला। बस आगे निकल गए हम और यहाँ पे हमें कुछ भूख लगी हुई थी, चाय पानी लेना था। गाइस चाय पानी पीने का मन हो रहा है, अब बहुत थक गया, बस वैसे 10-15 मिनट पे ही है तो चाय पानी पी के चलते हैं। चाय तो मिली नहीं, चाय है, चाय चाय है, चाय चाय है, चाय चाय, इसको लेक बोल रहे हैं ये लोग। तो बस चाय तो मिली नहीं तो हम आगे निकल गए। एक्चुअली इस ट्रिप में हमने चाय छोड़ दी थी क्योंकि चाय अगर खाने के साथ ऐसे लो तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, तो इस ट्रिप में हमने चाय नहीं पी, सिर्फ कॉफी पी थी। ये आ गया तनोट माता का मंदिर, बहुत रश था यहाँ पे। सो गाइस तनोट माता मंदिर पहुँच चुके हैं, मंदिर कहाँ है ये पता नहीं है, देखना पड़ेगा आगे जाके कहाँ है मंदिर, पता है बाहर था, बाहर मंदिर आया ना पार्किंग में, तो ठीक सामने वो आगे जाके वो यही था, वो जो ऊपर देख रही छोटी। बहुत रश है मंदिर के आसपास। उस दिन यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोग्राम हो रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट शायद गवर्नर आ रहे थे, सॉरी हाँ गवर्नर आ रहे थे राजस्थान के, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल वो चल रहा था, बीएसएफ वालों का प्रोग्राम चल रहा था, परेड वरेड कुछ चल रही थी। तो ये मंदिर में हम लाइन में लगे हुए हैं माता टेकने के लिए। तो ये जो गोले रखे हुए हैं ये अनयूज्ड गोले हैं। यूज क्यों नहीं किए? गोले वहाँ से फेंके गए थे पाकिस्तान की तरफ से इस मंदिर के आसपास, लेकिन फटे नहीं। शिवलिंग है वहाँ पे और वो माता की मूर्ति, और उसके पास ही यहाँ पे लोगों ने रुमाल बांधे हुए थे जैसे विश के लिए कोई कुछ हाँ, बांध देते हैं ना, तो रुमाल बांध के जाते हैं, फिर जब विश पूरी हो जाती है तो आके कोई भी रुमाल खोल सकते हो, जरूरी नहीं अपना ही, कोई भी रुमाल खोल सकते हो, भूल ही जाएगा हाँ, कोई भी एक खोल सकते हो अपना आके। बस फिर हम मंदिर देख के और लोंगेवाला पोस्ट की तरफ निकल गए। ये रास्ता भी बहुत अच्छा था, ये उससे भी ज्यादा अच्छा था, उससे भी ज्यादा अच्छा था, ये तो लग रहा था हम दुबई में आ गए। रोड भी बहुत चौड़ी थी और बहुत अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा थे, कर्व्स बहुत ज्यादा थे, बाइक चलाने में बहुत मजा आता। ये देखिए कितने अच्छे रास्ते हैं, क्या मजा आ रहा है ड्राइव करके। और इस साइड के जो ड्यून्स हैं ना वो बिल्कुल अनस्ट्राइज्ड हैं,
इधर कोई जानवर भी नहीं दिखता और कोई बंदा भी नहीं दिखता और ड्यून्स पे किसी के पैरों के निशान भी नहीं दिखते। हालांकि हम गाड़ी में थे, पता कैसे लगता, लेकिन एक पता लग जाता है कि साफ सुथरी मिट्टी है, एकदम प्लेन है, कुछ नहीं हुआ वहां। कचरा नहीं था जो लोग फैलाते हैं बाकी ड्यून्स पे। ये बहुत गंदी बात है हम लोगों की, बाहर जाके हम कचरा फैलाते हैं तो गलत बात है, नहीं फैलाना चाहिए। ये देखो अभी कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन ये जो ड्यून्स है ना बहुत बड़े बड़े थे, मतलब पहाड़ों जैसे लग रहे थे। कई जगह पे रोड बन रही थी तो उन्होंने साइड से रास्ता निकाला हुआ था, जैसे ये है। इस रोड पे हमने अरेबिक गाने चलाए हुए थे, लेकिन वो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था सुन के साथ में। बस हम लौंगेवाला पोस्ट पहुंच गए। हेलो, सो हम आ गए हैं लौंगेवाला पोस्ट। लौंगेवाला पोस्ट तो सबको पता ही होगा, वाटर मूवी देखी है। कहीं उन्होंने नहीं देखी, तुमने बॉर्डर मूवी देखी है? ऐसे लोगों ने बॉर्डर मूवी नहीं देखी। भूल गया, मैं छोटा था उस टाइम। हां, कहां गोदी में देखने गए थे मम्मी। ओ, ये वही वाली पोस्ट है जहाँ सनी जो बाकी सारे को रहा था। सनी शेट्टी भी था ना उसमें? सनी शेट्टी भी था, अक्षय खन्ना था। हाँ, तेरी बाप है, तेरी बाप है। एक बार दोबारा दर्दी तेरी बाप है, दर्दी तेरी बाप। चलो देखते हैं। बस फिर हम इस पोस्ट में जहाँ पे, मतलब यहाँ पे टैंक वगैरह रखे हुए हैं, एक म्यूजियम भी था, म्यूजियम भी है, ये सब चीजें हम देखने लग गए। यहाँ पे आप होल्ड करके देख सकते हो। तो लड़ाइयों में ना सब तरफ के लोग मरते हैं, उधर के भी मरते हैं, इधर के भी मरते हैं। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कितना अच्छा लग रहा है झंडा। हाँ, एक देख के ना एक अच्छा, वो एक अच्छी अजीब फीलिंग, हाँ पेट्रियोटिक फीलिंग आती है। आंख भी भर आती है देख के अपने सोल्जर्स की, उनकी शहीदी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर थिएटर है, यहाँ पे मूवी दिखाई जाती है बताने के लिए कि ये जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। और जिन्होंने बॉर्डर मूवी देखी उनको पता है, ये सामने वो पोस्ट है, ये वाला पोस्ट वो सामने पोस्ट है। तो ये यहाँ पे म्यूजियम था, हमने म्यूजियम भी देखा। इसके दो दरवाजे हैं, इसके एक जाने के लिए, एक बाहर आने के लिए। जोश भर जाता है एक बार देख के अपने सोल्जर्स, उनकी बहादुरी को देख के जोश भर जाता है मन में अपने देश के लिए।
सैल्यूट अपने सोल्जर्स के लिए जो लोग यहाँ रह के यहाँ इतनी मुश्किल क्राइम टाइम काट के फिर भी हमारे लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं. सैल्यूट है उन सोल्जर्स को, हमारी सेफ्टी के लिए वो लड़ते हैं आगे यहाँ आके. ये उस लड़ाई का जो पोस्ट बनी थी, लड़ाई कैसी हुई, पाकिस्तानी फौज कहाँ थी, कहाँ इंडियन फौज थी, वो सारा नक्शा है. हाँ, एक छोटा सा मतलब एक स्केल मॉडल बना रखा है इन्होंने. मॉडल है, हाँ, डेमो है उसका ना. सब लोग वहाँ पे जो मूवी चल रही है उसको देख रहे हैं. टैंक पड़े हुए हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी उनको देख रहे हैं. बट जो इस जगह पे खड़े हो गए उस टाइम को फील करने वाली चीज़ है ना, उससे अच्छी कोई बात नहीं है. इतनी दूर ड्राइव करके सिर्फ टैंक देखने तो आए नहीं, मूवी का पता है, इम्पोर्टेंस पता है इस जगह की. लेकिन जिन लोगों ने, जिन जवानों ने यहाँ पे अपनी जान दी है, उनको सलूट करना बनता है. एक वो भी थे जो यहाँ पे लड़ गए, उन्होंने अपने दूसरे के लिए सोचा ही नहीं. उनके भी पेरेंट्स, उनकी बीवी, उनके बच्चे घर पे वेट कर रहे होंगे. और यहाँ पे लोग आगे कदम चाहते हैं. एक्चुअली इस पोस्ट को पब्लिकली खोलना ही नहीं चाहिए था. हालांकि आर्मी ने काफ़ी मेंटेन करा हुआ है कि लोगों को थोड़ा दूर रखा हुआ है. ये हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों फोर्सेस को हमारा सलाम है. इंडियन फोर्सेस को, मेरा खुद का ब्रदर है एयरफोर्स में, तो मैं समझ सकती हूँ कि फैमिली में क्या है. यहाँ पे नहीं किसी को समझ है, यहाँ पे सिर्फ ये कि पानी पिया और बॉटल फेंक दी, चिप्स खाए और रैपर फेंक दिया. वो सामने देखिए एक गाय खड़ी है, वो लिफाफे में से कुछ खा रही है. मतलब कोई लिफाफा फेंक गया उसके अंदर से कुछ खा रही है. आज तो मेरे साथ भी हुआ था ना, धनोट मंदिर था ना, वहाँ से जब हम निकल रहे थे, हाँ, अभी साथ में थे, हाँ, बस में से एक लेडी ने मेरे ऊपर कचरा फेंका. हाँ, बताओ. जब मैंने मतलब, और इसको दिख भी गया कि मैं वो निकल रही थी, उसके ऊपर गिरा, फिर उसने फटाफट शीशा बंद कर लिया. उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है हम थोड़ी सफाई करेंगे, सफाई वाले सफाई करेंगे, और सफाई वाले कार का काम है ये देखना. जबकि वो सबसे, मैं कहती हूँ वो सबसे ज्यादा इज्जत वाले लोग हैं, कि इज्जतदार लोग हैं, वो हम लोगों का कचरा साफ करते हैं. चले चलो, ज्यादा इमोशनल बातें होंगी, अब बस बहुत हो गया. नहीं, ये जरूरी है. बट लोगों को समझना चाहिए गंद ना डालें. प्लास्टिक बहुत जगह पे बैन हो चुकी है, राजस्थान में भी बैन होनी चाहिए. हमने देखा है कि मैगी है, मैगी खाते हैं तो थर्माकोल की प्लेटों में मैगी देते हैं, प्लास्टिक के चम्मच देते हैं, लिफाफे, रैपर, ऐसे मतलब इतना बुरी हालत है ना. राजस्थान बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ पे बहुत साफ़ है. लेकिन शहरों में ना इतना गंद डाल रखा है ना लोगों ने, और टूरिस्ट, प्लास्टिक बैन होना चाहिए. टूरिस्ट ज़्यादा डालते, हाँ, टूरिस्ट ज़्यादा डालते हैं. राजस्थान के जो लोग हैं ना, उनको नहीं अच्छा लगता होगा कि हमारे जगह पे कोई गंद डाले, लेकिन टूरिस्ट नहीं समझते हैं. जो भी टूरिस्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यहाँ के गंद मत डालिए यार. आप हमारी कार में देखना, हम अगर, और अगर आपको गंद डालने का शौक है तो प्लीज़ आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं. लेकिन अगर आपको सच में सफाई पसंद है तो प्लीज़ अपने साथ जो भी प्लास्टिक की बॉटल कैरी करे, पहले तो अपनी स्टील की बॉटल कैरी कर ले. प्लास्टिक की बॉटल अगर कैरी करें तो उसको डस्टबिन में फेंक दें एटलीस्ट, तो वो रिसाइकल हो जाएगी. कई जगह पे तो रिसाइकल भी नहीं होती है. चलो ठीक है, मैसेज चला गया जिनके पास. चलो ठीक है, बाय बाय. तो बस लोंगे वाला पोस्ट देख के और एक मैसेज देना चाहते थे हम वहाँ पे, वो दिया हमने बिल्कुल. और एक्चुअली में हम यहाँ पे इमोशनल हो गए थे
क्योंकि वो इतनी इमोशन उस जगह से इमोशंस जुड़े हैं सबके, इतनी इमोशनल जगह है. और उसके बावजूद फिर हम जब देखते हैं कि लोग वहाँ आके उसको पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं तो वो बुरा लगता है. बिल्कुल. तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाएं आगे के नोटिफिकेशंस के लिए. जय हिंद. जय हिंद.